जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन श्यारी यमुना तीरावन श्यारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन श्यारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्योभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। चौदह दिए है ना। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दो श्लोक 14। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य प्रभा प्रभवतः जगत् अण्ड कोटि
कोटिसु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद् ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। माता जी
ठीक है, अब शब्दार्थ। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। दयावीर जी इधर जगह खाली है, ऊपर बैठना चाहें तो आगे में एक जगह आप खाली है, इधर आकर के सामने में उनको नीचे बैठने में कठिनाई होती। अंकित उनको बैठा लो और आगे आ जाइए, आगे से चले जाइए। जस्य जिसकी प्रभा ज्योति प्रभवतः प्रभावशील जगत अंड ब्रह्मांड का कोटि कोटिसु करोड़ों में अशेष असीम वसुधा आदि ग्रहों सहित विभूति ऐश्वर्यों सहित भिन्नम भिन्न भिन्न होना तत् वह ब्रह्म ब्रह्म निष्कलम पूर्ण अनंतम अनंत अशेष भूतम पूर्ण होकर गोविंदम भगवान गोविंद आदि पुरुषम आदि पुरुष तम उनकी अहम मैं भजामि वंदना करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो भगवान जो महान शक्ति से संपन्न हैं, उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। तात्पर्य यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5:40 में आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से उद्भूत होते हैं जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनको आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किस ग्रंथ की कथा हो रही है? अंकित किस भाषा में ग्रंथ है? चैतन्य चरितामृत बंगला में कौन लिखा है? कहाँ लिखे इस ग्रंथ को? आए राधा कुंड पर। हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं और अभी मंगलाचरण चल रहा है। ये परिपाटी है, ग्रंथ लिखते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है? जहा है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। कोई भी उपक्रम है तो संभावना रहती है कि कुछ कुछ विघ्न आ सकता है। विघ्न के समापन के लिए और जो हमारा लक्ष्य है
उसके प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। से मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, तीन प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। वो क्या है तीन प्रकार? हम गुरु को नमस्कार करते हैं, वैष्णव को नमस्कार करते हैं, एक हुआ, और फिर वस्तु का निर्देश करते हैं, वस्तु निर्देश मंगलाचरण, और श्रोताओं के लिए आशीर्वाद देते हैं। कह रहे हैं कि ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीने रस्मरण। मंगलाचरण में गुरु का, वैष्णव का और भगवान का स्मरण करते हैं। तीने रस्मरणे रहे विघ्न विनाशन अनयासे है निज वांछित पुराण। गुरु को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, वैष्णवों को नमस्कार करते हैं, तो बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनके कृपा से हमारा जो अभीष्ट है, जो हमारी इच्छा है, उसकी पूर्ति हो जाती है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। मंगलाचरण थ्री फोल्डेड है, इसके तीन भाग हैं। वस्तु निर्देश, हमारे ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या होगा, जिस ग्रंथ की रचना की जा रही है तो उसका मुख्य विषय क्या होगा, इसको भी मंगलाचरण के क्रम में ही बतला देते हैं। और आशीर्वाद आर नमस्कार, और अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देते, उत्साहित करते हैं, और गुरु वैष्णव भगवान को नमस्कार करते हैं। यह मंगलाचरण का स्वरूप है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 14 श्लोकों में मंगलाचरण किए, और उन श्लोकों की व्याख्या वे स्वयं ही किए। पीछे आप लोग नियमित रूप से सुने होंगे चैतन्य चरितामृत, या अपने से पढ़े होंगे, तो पहले अध्याय में गुरु को, वैष्णव को और अपने इष्ट को नमस्कार किए। अब उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब नमस्कार करते हुए ही, अपने इष्ट को नमस्कार करते हुए ही ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का निर्देश कर रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो मूल श्लोक है कि जिसके अंश हैं, यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुभा। अपने प्रतिपाद्य विषय का निर्देश कर रहे हैं कि यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, उपनिषदों में जिसको अद्वैत कहा गया है, अद्वैत तत्व कहा गया है, तद अपि अस्य तनुभा, वह इसके शरीर का कांति है, और यह आत्मा अंतर्जामी पुरुष इति सो अस्य अंश विभव। और जो अंतर्जामी पुरुष हैं वे इसके अंश हैं। षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान स स्वयं अयम न चैतन्यात् कृष्णा जगति पर तत्त्वम परमिह। और कह रहे हैं कि जिनको षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है, वे भी
श्री कृष्ण चैतन्य से भिन्न नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य से न ब्रह्म भिन्न है और न परमात्मा भिन्न है और न भगवान भिन्न है। मतलब चाहे वो ब्रह्म हो या परमात्मा हो या भगवान हो, सब चैतन्य महाप्रभु ही हैं। तो कह रहे हैं ये उन्हें कृष्ण चैतन्य का मैं सम्मान कर रहा हूँ, मैं उनके समक्ष नतमस्तक हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य ही इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय है। और आप जानते हैं कि जो अद्वैत तत्व है उसको तीन शब्द से अभिहित किया जाता है, तीन शब्द से निर्देश किया जाता है। श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है यज ज्ञान मद्वय। कैसे प्रारंभ होता है? वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्त्वम् यद यद ज्ञान मद्वयम्। जो परम तत्व है, अद्वैत तत्व है, अद्वैत मतलब दूसरे की सत्ता नहीं है, उसको विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। भाई तत्व एक है तो तीन शब्द क्यों देते हैं? एक ही कहना चाहिए। तत्व एक है लेकिन उसके प्रकाशन में भेद होता है। भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं लेकिन हम लोग तो भगवान को नहीं देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहा है। वो भगवान का दर्शन कैसे होता है? भक्ति से। भक्ति से भगवान को हम देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं करते। बहुत प्रसिद्ध बात है, कुछ लोग ज्ञान मार्ग से उपासना करते हैं और कुछ लोग योग मार्ग से उपासना करते हैं और कुछ लोग भक्ति मार्ग से करते हैं। तो जो भक्ति मार्ग से उपासना करेंगे उनके समक्ष तो भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, और जो योग मार्ग से अष्टांग योग का अवलंबन लेकर के उपासना करेंगे तो वे परमात्मा को देख पाएंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और जो लोग ज्ञान मार्ग से उपासना करते हैं वे ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं। तो तत्व तो एक ही है लेकिन उपासना के भेद से उसका अनुभव भिन्न भिन्न रूप में होता है। और नंद सुत बोली जा रहे भागवत गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। वो चाहे वे ब्रह्म हो, परमात्मा हो या भगवान हो, सब कृष्ण ही हैं और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और कह रहे हैं कि प्रकाश विशेषते धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। तत्व तो एक है लेकिन अब जैसे प्रकाशित होता है भिन्न भिन्न रूप में हमारे अनुभव का विषय बनता है और इसलिए उसका नाम भी भिन्न भिन्न हो जाता है। सब लोग एक जैसा अनुभव नहीं करते। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, जैसे आप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं
सूर्य को जल देते हैं, उनको आरती दिखाते हैं, कई एक तरह से उपासना करते हैं। लेकिन हम लोग सूर्य भगवान का दर्शन किस रूप में करते हैं? एक प्रकाश पुंज के रूप में, ज्योति के रूप में, इसी रूप में दर्शन करते हैं ना। लेकिन देवता लोग उनको एक व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। कभी कभी भगवान सूर्य मीटिंग में भी बैठते हैं, देवताओं के साथ डिस्कशन करते हैं। हम लोग तो कभी भगवान को, भगवान सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखे, हम लोग एक मंडल के रूप में दर्शन करते हैं, गोलाकार मंडल के रूप में दर्शन करते हैं। उन्हीं को हम, उन्हीं की पूजा करते हैं। जैसे भगवान सूर्य का दर्शन, उनका प्रकाशन भिन्न भिन्न रूप में होता है, तो उसी तरह जो अद्वैय ज्ञान तत्व है तो उसका भी प्रकाशन भिन्न भिन्न रूप में होता है। और वह प्रकाशन उपासना के अनुसार होता है। जो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो उस अद्वैय ज्ञान तत्व को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं। जो योग मार्ग का अवलंबन करते हैं तो उस अद्वैय ज्ञान तत्व का अनुभव परमात्मा के रूप में करते हैं। और जो भक्ति योग से उनकी उपासना करते हैं तो उनका अनुभव सदैश्वर्य पूर्ण भगवान के रूप में करते हैं। तत्व एक ही है। अब यहाँ ब्रह्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं। चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्णे विशेष। जैसे हम लोग अपने इस मनुष्य के आंख से, चर्म चक्षु से सूर्य के व्यक्तित्व का दर्शन नहीं कर पाते, और उसी तरह जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं तो वे भगवान के विशेष स्वरूप को, जो क्रीड़ा परायण है, विविध लीला करते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, इसका अनुभव नहीं कर पाते। तो ब्रह्म है, एक प्रकाश पुंज है, और उसका परिचय देने के लिए ब्रह्म संहिता का, ब्रह्म स्तोत्र का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। और यही हम लोगों का आज का प्रतिपाद्य विषय, इसी का, इसी श्लोक की चर्चा करनी है। तो एक बार इस श्लोक को सब लोग साथ में बोल दीजिए, फिर से ला दो श्लोक, सब लोग साथ में बोलिए। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। अभी तो आने में ही देर हो गई, फिर से बोलिए एक बार। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तम गोविंदम आदि पुरुषम अहम भजामि। उन गोविंद जो आदि पुरुष हैं, उनका मैं भजन कर रहा, उनकी उपासना कर रहा हूँ। तम उस गोविंद की उपासना कर रहा, वे किस गोविंद की?
उसका परिचय दे रहा है, जस्य प्रभवत। जगदंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम प्रभा तद ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि जिस गोविंद के अंग की प्रभा है, अंग का कांति है, और उनका परिचय दे रहे हैं कि जगदंड कोटि कोटि सो अशेष वसुधादि विभूति भिन्न। भगवान का जो अंग कांति है और उसके विषय में कह रहे हैं कि जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड की बात नहीं कह रहे हैं, दो की भी नहीं, कितने के करोड़ों करोड़ों, और एक एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत रूप है, अनंत अनंत वस्तु है। और वास्तव में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बहुत भिन्नता है। कोई वृक्ष है, उसके पत्ते हरे हरे हैं, उसी में जो नए नए पत्ते आते हैं लाल लाल हैं, और कहीं पत्थर है, कहीं दीवार है, ये क्या क्या वस्तु है। ऐसे बड़े बड़े वस्तु का भी विवरण देखें तो पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, और पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। आप रात्रि को देखते हैं, अनेक ताराएं दिखाई देती हैं, सब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। तो इस ब्रह्मांड के जो भी विभूति है, शक्ति है, तो उसी ब्रह्म का परिणति है। हम लोग भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं, पृथ्वी पहाड़ क्या क्या, लेकिन कह रहे हैं कि भिन्नम, वो भिन्न भिन्न रूप में वही हुआ, वो दो चीज है नहीं है, एक ही चीज भिन्न भिन्न रूप में हुआ। तो अब मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड के जो भिन्न भिन्न वस्तु है, भगवान की विभूति है, तो उसका लिस्ट बनाना चाहें तो हम लोग तो नहीं बना पाएंगे। अरे हम लोगों की बात तो दूर है, खुद भगवान भी अपने विभूति का अंत नहीं जानते। ये प्राकृत विभूति का अंत नहीं जानते। अब इस बात को कहने से तुरंत कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे क्यों नहीं जानेंगे। सिद्धांत समझना चाहिए कि जिसका अंत होगा तो उसी का कोई अंत जानेगा ना। अब उसका अंत है ही नहीं है तो कहाँ से अंत जानेगा। अब अंत नहीं है, नहीं जानते, इसलिए उनके सर्वज्ञता पर कोई आँच नहीं आ रहा है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं द्वितीय स्कंध में कि हमारी बात क्या है। वे खुद ही अपने विभूति के, प्राकृत जगत के विविधता का अंत नहीं जानते। वो एक ब्रह्मांड की बात नहीं कह रहे हैं, कोटि कोटि सु अंडे सु करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और इसमें जो भी भिन्न भिन्न वस्तु देख रहे हैं तो वो सब ब्रह्म ही भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित है। इसी बात को कह रहे हैं कि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस अशेष वसुधाति विभूति भिन्न। अशेष जो भी विभूति है तो सब वही भिन्न भिन्न रूप में दिख रहा है, और वे क्या प्रभवतः जस्य प्रभा प्रभवतः, जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली, बहुत भारी उसका इफेक्ट आता है, और उसी के अंग प्रभा है, और वह ब्रह्म है, निष्कल है, अनंत है, अशेष भूत है। और वैसे गोविंद की हम उपासना कर रहे हैं,
तो ये सब है, ब्रह्म का विशेषण है, वह निष्कल है। निष्कल मतलब पूर्ण, और अनंत है जिसका अंत नहीं है, और अशेष है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ब्रह्म है, पूर्ण है, व्यापक है। ये ब्रह्म है, शब्द का अर्थ ही होता है जो बड़ा है, खुद भी बड़ा है और उसके संपर्क में जो आता है उसको भी बड़ा बना देता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। और यहाँ इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं इस बात की स्थापना के लिए, ये जो ब्रह्म है वे पर तत्व के, स्वयं भगवान के अंग प्रभा है, उनके अंग की कांति है। और जो ज्ञान मार्ग से उपासना करते हैं वे उसे ब्रह्म का अनुभव कर पाते हैं। वे ब्रह्म तत्व के दृष्टि से तो एक है, लेकिन प्रकाशन के दृष्टि से भिन्नता आ जाती है। क्या भिन्नता है? ये जो ब्रह्म है वो ज्ञानमय है, ब्रह्म के अनुभव से आनंद का अनुभव होता है, ब्रह्म से आनंद का अनुभव होता है, लेकिन इसमें क्रिया शक्ति का प्रकाशन नहीं है, इसमें विविधता का अभाव है, एक रस आनंदमय। आनंद जरूर है लेकिन एक रस है, इसमें विविधता का अभाव है। और दो दृष्टि से विविधता का अभाव है, इसमें कोई रूप का समावेश नहीं है, निर्विशेष, और इसमें क्रिया का समावेश नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान का अनुभव करते हैं तो वहाँ आनंद भी है, क्रिया भी है, रूप भी है, और कुछ कुछ अंतर हो जाता है, लेकिन तत्व एक ही है। और यहाँ चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण में ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय चैतन्य महाप्रभु हैं, और चैतन्य महाप्रभु का परिचय देते हुए बतला रहे हैं कि जो अद्वैत तत्व है उसके तीन शब्दों से अभिहित किया जाता है, निर्देश किया जाता है। ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। और ब्रह्म है, कौन है, क्या उसका स्वरूप है, और इसका परिचय इस श्लोक में मिलता है। ये भगवान का ही अंग कांति जो अनेक ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न रूप में परिणत हुआ है, और जो पूर्ण है, अनंत है, और कभी उसका समापन नहीं होगा, अव्यय है, और वह जिसके अंग प्रभा है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। और ब्रह्म का परिचय दे करके आगे परमात्मा का क्या स्वरूप है इसको बतलाएंगे, फिर भगवान का क्या स्वरूप है इसको बतलाएंगे, तो पूरा ये अध्याय मंगलाचरण के व्याख्या में ही चलेगा। हरे कृष्ण। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्लास पहले खत्म किए हैं। प्रतिपाद्य, प्रतिपादन समझते हैं, जिस विषय का विवरण देना होता है, स्थापना करना होता है, उसको प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। जैसे भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के ही एक विशेष स्वरूप ब्रह्म है, तो यह हम लोगों का इस श्लोक में प्रतिपाद्य विषय है। जो वर्णन का विषय होता है, जिसकी स्थापना करना चाहते हैं, और उसको प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय।